गुड आफ्टरनून बच्चों। बच्चों आज हम सभी लोग कक्षा 7 का अपनी मंजरी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 15 का अध्ययन करेंगे। पाठ नंबर 15 है मन भावन सावन, जिसको लिखा है श्री सुमित्रानंदन पंत जी। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। जो प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा साथ में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पद ध्यान से यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है झमे झम बूदे झलमल, यानी पहला पद ध्यान से है। इसका हमें अपने शब्दों में संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो सबसे पहली हेडिंग हम डाल लेंगे बच्चों संदर्भ। संदर्भ संदर्भ में लिखेंगे जो हमारी प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं, जो पर आपको दी गई हैं, वो किस चैप्टर से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। तो अभी तक आपने ये सीख लिया होगा, पहले पार्ट से आप करते आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं है आपको। तो आप क्या करेंगे, इसको अपने शब्दों में उसी प्रकार लिख लेंगे जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के मन भावन सावन नामक कविता से ली गई है। इसके जो रचयिता है कौन है बच्चों, इसके रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग, अगली हेडिंग में लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादल का मनोरम चित्र खींचा है। कविता के अंत में कवि ने जन जन के जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना की है। नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखेंगे बच्चों, तो आइए देखते हैं। लिखेंगे प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादल का मनोरम चित्र खींचा है। कवि कहता है कि सावन के बादल झम झम करके तेज वर्षा करते हैं, बादलों की बूंदे पेड़ों पर गिरती हैं और उनसे छन कर पृथ्वी पर छम छम की आवाज़ करके गिरती हैं। बादल से चम चम करके बार बार बिजली चमकती है, दिन में अंधेरा हो जाता है और आदमी रुक रुक कर सोचने लगता है मानो स्वप्न देख रहा हो। ताड़ के पत्ते पंखों से नज़र आते हैं, लंबी लंबी उंगलियां और हथेली के साथ उन पर पानी की धार तड़ तड़ करके पड़ती हैं और हाथ और मुंह से बूंदे झिलमिल करती हुई उपटप करती हैं। दूसरा पद्यांश बच्चों यहाँ पे है नाच रहे पागल डैश भरते गर्जन। इसका जो संदर्भ और प्रसंग पूर्वत की तरह हो जाएगा, जो आपने ऊपर लिखा है सेम टू सेम इसका भी हो जाएगा। वही लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के मन भावन सावन नामक पाठ से कविता से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्रकवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। और इसी प्रकार आपका पद्यांश भी हो जाए, प्रसंग भी हो जाएगा, प्रसंग भी लिख लेंगे जो ऊपर वाला था सेम टू सेम। अब देखते हैं व्याख्या। व्याख्या हेडिंग डालेंगे बच्चों, लिखेंगे कवि ने सावन के बरसते बादलों का मनोरम चित्र खींचा है। वर्षा के कारण पीपल के पत्ते मानो ताली बजाकर नाच रहे हैं और नीम की पत्तियां आनंदित हो झूम रही हैं। हर श्रृंगार के फूल छर रहे हैं और बेलों की कली प्रत्येक क्षण बढ़ रही है। ऐसी सुखद हरियाली में मेंढकों की टर टर और झिल्ली की झनझन, मोर की म्याओ और पपीहे की पीट प्यूँ सुनाई देती है। बगुले सुखी होकर अपनी बोली बोलकर उड़ रहे हैं। बादल घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और आकाश को अपनी गर्जना से भर दिया है। नेक्स्ट पद्यांश आपका होगा बच्चों रिम झिम डैश सावन मन भावन। इसका भी संदर्भ पूर्वत की तरह होगा और प्रसंग भी पूर्वत की तरह होगा जैसे आपने ऊपर लिखा है। व्याख्या हम देखेंगे। व्याख्या में कवि कह रहा है कवि ने
बरसते बादलों का सुंदर चित्रण किया है। रिमझिम करके बूंदे आवाज़ कर रही हैं, मानो कुछ कह रही हैं। उससे रोमांच हो जाता है और हृदय पर प्रभाव पड़ता है। पानी की गिरती धाराओं से धरती के कण में हरे भरे अंकुर फूट रहे हैं। कवि का मन पानी की धार रूपी रस्सी के सहारे झूलना चाहता है और सबके द्वारा घिर कर उसने सावन के गीत गाने को कहता है। कवि इंद्रधनुष के झूले में सबको मिलकर झूलने के लिए कहता है और कामना करता है कि यह मन को अच्छा लगने वाला सावन बार बार आकर जीवन को सुखी बनाए। बच्चों, यहाँ पे हम लोग का पद्यांश जो इम्पोर्टेंट था वो ख़त्म होता है। अब इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उसको हम करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्या है। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से एक कविता स्वयं बनाइए, जैसे कि उसमें कौन कौन शब्द होने चाहिए। बादल, बरसात, पानी, बिजली, हरियाली, दादुर, मोर, पंख, फुहार, काले। दादुर मतलब क्या होता है बच्चों, इसको आपको अपने इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है या अपनी कॉपी में लिखकर इसका उत्तर देना है। दादुर का मतलब क्या होता है? तो आइए इसका जो कविता यहाँ पे बनाया गया है उसको देखते हैं। यहाँ पे जो कविता छोटी सी बनाई गई है इस प्रकार से है, बरसात आई बरसात आई, काले बादल घिर कर आए, मन भावन हरियाली लाए, बिजली चमक रही घनमाई, छम छम बरस रहा है पानी। तो नन्नी नन्नी पड़े फुहार, मोर नाचता पंख पसार, दादू ध्वनि चौंर सुहाई, बरसात आई बरसात आई। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे छोटा सा कविता लिखा गया है, आप भी इस इन शब्दों को अपने मन से भी इस कविता को लिख सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं तो इसको आपकी अपना लिखने के बाद इसको आप इस कमेंट बॉक्स के जो यहाँ पे यूट्यूब चैनल है मेरा उसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे विचार और कल्पना से। तो पहला प्रश्न है बच्चों, कविता को पढ़कर आपके मन में सावन का जो चित्र उभरता है उसे लिखिए। तो बच्चों, ये जो कविता आपने पढ़ा उसके अंदर आपके मन में कहीं ना कहीं आप देखते होंगे सावन का चित्र एक उभरता हुआ नज़र आता होगा, तो उसको आपको लिखना है यहाँ पे। तो उसके उत्तर में लिखेंगे, कविता को पढ़कर मन में सावन की हरियाली का चित्र उभरता है। प्रेजेंट टाइम में आपने कभी देखते होंगे सावन का मुझे मौसम आता है तो हरियाली चारों तरफ छाई हुई रहती है, बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, सावन के चारों ओर हरियाली फैल जाती है, दादुर, मोर, चातक, सोन बालक सभी खुशी से बोलने लगते हैं, आपको सावन कैसा लगता है? 10-15 पंक्तियों में लिखिए। तो बच्चों, ये सब क्या हमें क्या करना है, छोटी सी गद्यांश लिखनी है, थोड़ी सी कहानी लिखनी है आपके माध्यम से अपने शब्दों में। जो सावन आती है हरियाली फैल जाती है, तो ये दादुर, मोर और चातक, सोन बालक सभी खुशी से बोलने लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे उत्तर दिया गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं या अपने मन से जो आप एक्सरसाइज में जो करते हैं उसको भी अपने मन से अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। हमें सावन अच्छा लगता है, सावन में चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ सभी हरे भरे हो जाते हैं, गर्मी और सूखे रेत के तप जाने से राहत मिलती है, चारों ओर हंसी खुशी का वातावरण होता है, पशु पक्षी जीव जंतु सभी प्रसन्न रहते हैं, गरजते बादल अच्छे लगते हैं, उनमें चमकती बिजली देखकर बच्चे खुश होते हैं, नीम के वृक्ष हिलते हुए अच्छे लगते हैं, बच्चे और स्त्रियाँ सावन में झूले पर झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं, मेंढक, मोर, चातक और सोन बालक आदि पक्षी खुशी से अपनी अपनी बोली बोलते हैं, प्रकृति में मनमोहक दृश्य दिखाई देता है जो बच्चों को खुश करता है, नदी नाले सब पानी से परिपूर्ण हो जाते हैं। बच्चों, ये प्रेजेंट टाइम में आप लोग ये सब देख रहे होंगे, आपके आसपास देख रहे हैं कितनी अच्छी हरियाली होंगी।
इस समय हर तरफ पानी ही पानी होगा। बहुत ही सुहावना मौसम इसमें होता है, आप इसको एंजॉय करते रहिए। कुछ प्रश्न यहाँ कविता से हैं, उसको भी देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, ताड़ के पत्ते किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, ताड़ के पत्ते पंखों के रूप में दिखाई दे रहे हैं जिनमें अंगुलियां और चौड़ी हथेली हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, हरसिंगार और बेला के फलों पर सावन की बूंदों का क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो उत्तर में लिखेंगे, हरसिंगार के फूल झर रहे हैं और बेला के फूल की कलियां प्रतिपल बढ़ रही हैं। प्रश्न नंबर तीन है, निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? ये जो निम्नलिखित भाव है वो कविता की किन पंक्तियों में आए हैं, उसको हमें अपने यहाँ पे लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, पहला यहाँ पे जो भाव दिया गया है, पहला भाव लिखा है इस प्रकार से, पीपल के पत्ते मानो ताली बजाकर नाच रहे हैं और नीम आनंदित हो झूम रही हैं। ये जो भाव है वो किस पंक्ति में आया, उस पंक्ति का हमको लिखना है। तो ये बच्चों अपनी बुक निकाल लेंगे, उसमें देखेंगे, आपको दिखा होगा, लिखा मिलेगा वहाँ पे, नाच रहे पागल हो ताली दे दे, चल चल झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बिहवल। तो ये बच्चों इस पंक्ति से जो ऊपर वाला भाव है यहाँ से आया हुआ है, तो ये आपका भाव हो जाएगा ऊपर, ये आपकी पंक्तियाँ हैं, आपके कविता की जो पंक्तियाँ हैं वो यहाँ से ले गई हैं। ठीक है, आप अपने बुक में खोलेंगे तो ये आपकी पंक्तियाँ मिलेंगी, वहीं से नोट कर लिए या यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। दूसरा भाव यहाँ पे एक और दिया गया है, इस भाव में क्या बताया गया है, जो पानी की गिरती धाराओं से धरती के कण कण में हरे भरे, इसका जो भाव है किन पंक्तियों से लिया गया है, तो अपनी बुक में देखेंगे, वहाँ पे आपको एक पंक्ति मिलेगी, लिखा होगा वहाँ पे, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर रज के कण कण में त्रिड़ त्रिड़ का पुलकाविल भर। ये जो पंक्ति है इसी का भाव यहाँ पे दिया गया है, ये आपका भाव है और ये आपकी पंक्ति है बच्चों, तो ये पंक्ति आप नोट कर लेंगे, इसका यही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चार है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दे गई हैं, इसको उसका हमें भाव अपने शब्दों में यानी कि व्याख्या या भाव बताना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहली पंक्ति कौन सी है, का में दिया गया है, उड़ते सोन बालक अर्ध सुख के कर क्रदन, यानी इसका जो भाव हो जाएगा इस प्रकार से है, बरसात में सुखी होकर आवाज़ करते हुए बगुले उड़ते हैं। दूसरा यहाँ पे पंक्ति दी गई है, रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंतर, इसका भाव इस प्रकार से है, बरसात को देखकर रोमांच होता है जिसका दिल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगली पंक्ति यहाँ पे है, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, इसका भाव इस प्रकार से है, मन को अच्छा लगने वाला सावन जीवन में बार बार आए और जीवन में खुशियां भर दे। प्रश्न नंबर पाँच है, कविता के अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या इच्छा व्यक्त की है? तो उत्तर में लिखेंगे, कवि ने इच्छा व्यक्त की है, मन भावन सावन जीवन में बार बार आए। तो आपके मन में भी ये बात आ रही होगी, आपको जब सावन को देखते हैं, जब सावन चला जाता है तो कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छा होती है इस सावन फिर से आए, फिर से हरियाली हो चारों तरफ। तो यही इच्छा यहाँ पे इस कविता के माध्यम से कवि के अंदर भी आ रही है। भाषा की बात, पहला प्रश्न है यहाँ पे, झमझम झमझम मेघ बरसते सावन के इसमें झमझम, ध्वनि सूचक शब्द है। यहाँ पे जो झमझम जो शब्द है कौन सा ध्वनि सूचक शब्द है, इसको हमें बताना है। कविता में अन्य कई ध्वनि सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसमें सावन की बरसात का बड़ा सहज एवं सरस चित्रण हुआ। इस प्रकार के ध्वनि सूचक शब्दों को चुनकर लिखिए। इस प्रकार को आपको जो शब्द मिले हैं इस कविता में वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे झमझम झम
इस प्रकार से और भी शब्द आए हैं, उसको भी आपको लिखना है। तो इस प्रकार उसको उत्तर में देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक तो छम छम, तड़ तड़, टप टप, चम चम, थम थम, झूम झूम, घुमड़ घुमड़, झन झन, ये सब क्या है, इस प्रकार के जो ऊपर दिए गए शब्द हैं उसी प्रकार से मिलते हुए शब्द हैं। तो आप बच्चों, एक चैप्टर का जो एक्सरसाइज था यहीं पे कंप्लीट होता है। आप सभी लोग इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज कराई गई है उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जो आपके टीचर्स होंगे उनको आप ये चेक करवा सकते हैं। नोट करने के बाद आपको जैसा कि यह व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज करके उस क्वेश्चन को आप चेक करवा सकते हैं। तो जो इसमें सब महत्वपूर्ण प्रश्न ही करवाए गए हैं तो उसको सभी लोग आप नोट कर लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, आप लोग पढ़ाई करते रहिए।